गुड मॉर्निंग, मायसेल्फ डॉक्टर प्रवीण मंत्री, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस स्टडीज़ की तरफ से। आज का जो वीडियो है वो बीबीए सेकंड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीबीए फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर आपने कम्युनिटी इंगेजमेंट नाम का एक टॉपिक लिया था जो 100 मार्क्स का था, और उस पर्टिकुलर टास्क को आपने कंप्लीट किया और एग्ज़ाम को क्लियर किया। उसी कंसीक्वेंस में हम आगे चलते हैं और इस साल आपको हम इंटर्नशिप दे रहे हैं। इंटर्नशिप का मतलब है ट्रेनिंग का वो वाला फेज़ जिसमें आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर, जो भी आपकी कन्वीनियंसी से है, वहाँ पर जाकर आप कुछ काम को सीखेंगे और उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। देखिए, फॉर्मेट वही है जो लास्ट ईयर बनाया था, इस बार भी वही है। उन्हीं 3 पेपर्स पे आपको सिग्नेचर करवाना है जो लास्ट ईयर कराया था, इस बार भी वही है। कॉलेज आकर आप कवरिंग लेटर को, जो सिग्नेचर है प्रिंसिपल के सिग्नेचर मेरे सिग्नेचर के साथ लगा हुआ है, उसको कलेक्ट करिए। और ट्रेनिंग का पीरियड आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आपको बता दिया जाएगा कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट की जाने वाली है। देखिए, बेसिकली उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि आपको SMART स्मार्ट विजन से ट्रेंड किया जाए। क्या होता स्मार्ट विजन? आप कोई भी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कर रहे हो, वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंडेड हो। कहने का मतलब क्या है, उससे आप कुछ सीखें। तो उसी सीक्वेंस में हम जा रहे हैं और आपको इस साल हम एक चीज़ दे रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब होता है प्रशिक्षुता। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जाकर 7 दिन के लिए, वैसे पीरियड आपका जो ट्रेनिंग का है वो पूरा 7 दिन कंप्लीट वाला है, और अगर आप पार्ट टाइम से करते हैं तो 15 दिन का समय ले सकते हैं, हम आपको सफिशिएंट टाइम देंगे। और ट्रेनिंग कैसे होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में गए, वहाँ पर ऑडिट कैसे होता है, टैली का सिस्टम कैसे काम करता है, GST के कंप्लायंस कैसे होते हैं, टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होता है, डिजिटल सिग्नेचर की कैसे प्रोसेस होती है। लॉयर फर्म में जाते हैं तो किस तरीके से लेटर्स और डॉक्यूमेंटेशन का काम किया जाता है, क्लाइंट्स के साथ कैसे लाइजनिंग की जाती है। इसी तरह से गर्ल्स मान लीजिए हैं, और मान लीजिए एग्जांपल के लिए वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं रेप्यूटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ जाकर वो सारी चीज़ें सीखती हैं, फिर उससे उनको नॉलेज बढ़ता है। ये बेसिकली जो ट्रेनिंग है ये आपको प्रैक्टिकल बना रही है। कहने का मतलब क्या हुआ, चार्टर्ड फर्म में जाएंगे, कुछ दिन काम करेंगे, वाउचिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के पेपर्स देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि काम कैसे होता है, ताकि आप अपने फ्यूचर में उस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। इसी तरीके से लॉयर फर्म में भी होगा, ब्यूटी पार्लर्स में बच्चियाँ जाएंगी तो वहाँ पर सीखेंगी किस तरह से क्लाइंट से लाइजनिंग होती है, कैसे काम किया जाता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। कंसल्टेंट फर्म्स में जाते हैं, सपोज़ एक बच्चा जाता है मान लीजिए शॉपिंग मॉल में, वहाँ पर वो देखता है किस तरह से प्रोडक्ट्स का इन आउट होता है, एंट्री कैसे पास होती है, ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन किया जाता है, बुक्स कैसे बनती हैं, है ना। ये सब चीज़ें आप किसी भी जगह जाएंगे तो वो ट्रेनिंग का पार्ट होगी। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जहाँ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे आप जा सकते हैं शॉपिंग मॉल में, कहीं पर भी, डीमार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, रिलायंस मार्ट हो गया, पर मैं ये कहना चाहता हूँ ट्रेनिंग वहीं कीजिएगा जहाँ से आपको लर्निंग हो, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर मिल सके। ऐसे कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कीजिए जो ऑथेंटिक नहीं हो, नंबर वन। नंबर टू, इस तरह से हो कि आपको काम करने के बाद सर्टिफिकेट पर साइन नहीं हो रहा, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो कोशिश कीजिएगा, कुछ इंस्टीट्यूशंस बता देता हूँ जहाँ पर आप ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक बात और, बीकॉम और बीबीए जो है वो फाइनेंस कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो हमें वहाँ जाकर हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग लेनी है, तो पेशेंट के ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग नहीं लेनी है, हमें वहाँ HR की ट्रेनिंग लेनी है, कैसे रिपोर्टिंग होती है, कैसे इन आउट रजिस्टर बनता है ना, डॉर्मेट, जैसे कहने का मतलब वहाँ हॉस्पिटल में इन्वेंट्रीज का मैनेजमेंट कैसे होता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठ गए तो आपको पता चलता है बिलिंग किस तरीके से की जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए होलसेल शॉप पे बैठ गए तो वहाँ कौन से प्रोडक्ट्स में क्या रेट्स लग रहा है, किस तरीके से डील होता है। फॉर एग्जांपल कुछ अच्छे एग्जांपल दे दें, होटल में जाकर आप ले सकते हैं ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग कैसे होगी होटल में, होटल में ट्रेनिंग ऐसे होगी कि कस्टमर्स के साथ आपकी लाइजनिंग किस तरह से है आपको सीखने को मिलता है। फिर इसके अलावा हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो पेशेंट्स किस तरीके से इन आउट की एंट्री होती है, मोबाइल गैलरी पे जा सकते हैं। इसी तरह से शासन ने मत्स्य पालन फिशरीज का भी कराया कि कैसे मछलियों का पालन होता है वहाँ पर, किस तरीके से उनको उनको कैसे उनको पैदा किया जाता है या उस तरह की ट्रेनिंग जिससे क्या आपको रोज़गार मिले। इसके अलावा आप वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में जा सकते हैं, मेडिकल शॉप में जा सकते हैं, बड़े होलसेल व्यापारी के जा सकते हैं, इनफैक्ट यू कैन गो फॉर किराना शॉप ऑल्सो। व्हाट डज इट मीन्स, बेसिकली आप वहाँ सीखने जा रहे हो कि क्या आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सामना करना पड़ता है, वो सब चीज़ें हैं। एग्जांपल के लिए सीए फॉर्म्स में जाएंगे तो ऑडिट का सीखेंगे, लॉयर फॉर्म्स में जाएंगे तो किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट किया जाता है, इंटीरियर डेकोरेटर के पास जाएंगे तो किस तरह से मैपिंग की जाती है, किस तरीके से उसका लुक बनाया जाता है, क्लाइंट्स के साथ कैसे डील किया जाता है। फिर उसके बाद ब्यूटी पार्लर मैंने एग्जाम्पल दे दिया, मंडी में भी जा सकते हैं, आढ़तियाँ जो एजेंट्स हैं ब्रोकर्स हैं वो किस तरीके से बिज़नेस की डील करते हैं। और इसके अलावा आप जैसे एग्जांपल ले लिया कोई फ्लोर मिल है बड़ी सारी जावरा गोल्ड, तो वहाँ पर जाकर आपने कुछ काम सीखा कि किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इन्वेंट्रीज का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। हाँ, आप एमपी ऑनलाइन भी जा सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं या बैंक्स हैं वहाँ पर भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। बैंक्स में ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से खाते होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, किस तरह से अकाउंट ओपन होता है, केवाईसी के नॉर्म्स कैसे पूरे किए जाते हैं, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर के नॉर्म्स कैसे होते हैं। इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आपको क्या मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। उस सीखने को ही इंटर्नशिप बोलते हैं और प्रशिक्षुता बोलते हैं। सर इसका क्या फ़ायदा होगा, इस पिछले साल आपने सामुदायिक जुड़ाव में जुड़े तो सोशल एक्टिविटी की, इस बार आपने जॉब ओरिएंटेड एक्टिविटी की, फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा यह हुआ कि इन फ्यूचर जब आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे तब आपको वही सीखा हुआ काम अपने जॉब में हेल्प करेगा। तो ये सब टॉपिक्स थे, एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप सीए फॉर्म्स में जा सकते हैं, लॉयर फॉर्म्स में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर के पास जा सकते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में जा सकते हैं, होलसेल रिटेलर, मोबाइल गैलरी, शोरूम्स, LIC एजेंट, MP ऑनलाइन, कुरियर सर्विसेज, किराना शॉप है ना, इसके बाद डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है। इन सब में आप जाकर जो आपके कन्वीनियंसी से हो, कोई गांव का बच्चा है तो वो आसपास एग्जांपल के लिए मान लीजिए फर्टिलाइज़र्स की शॉप्स पे गया, वो पेस्टिसाइड्स की शॉप पे गया, कुछ बच्चे देखिए हर जगह आयशर के शोरूम, मारुति के शोरूम है, वहाँ जाकर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं भाई गाड़ियाँ कैसे बिकती हैं, किस तरीके से लाइजनिंग होती है, इंश्योरेंस कैसे होता है, इन्वेंट्रीज किस तरह से आती है, किस तरीके से ऑटो वर्कशॉप ऑटोमोबाइल में वर्कशॉप में काम होता है, ये सब चीज़ें। अच्छा, जो आप सीखेंगे वो टेक्निकल नहीं सीख रहे हैं, वो आप सीखेंगे अकाउंट्स में काम कैसे होता है, फाइनेंस कैसे दिया जाता है, जैसे कार लोन हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पेपर्स कार के लोन के लिए लगते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न कितने लिमिट तक की होती है तो कितने तक का लोन मिल जाता है, ये सब चीज़ें आपको जो इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा एक और आइडिया दे दिया जाए, 500 वर्ड्स की लिमिट होगी जिसमें प्रोजेक्ट वर्ड बोल रहा हूँ उसको चेंज करता हूँ मैं, उसमें इंटर्नशिप के बारे में बताना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। 500 ओन वर्ड्स में लास्ट ईयर के बच्चों को सब बात पता है कि कम्युनिटी इंगेजमेंट में जैसे उनको लिखना था कि 500 शब्दों में ये लिखना है कि भाई ये सेवा क्यों करना चाहते हैं, ऐसे इंटर्नशिप का उनका रुचि किस विषय फील्ड में है उसके बारे में वो लिखेंगे कि भाई हमको सीए बनना है, हमको लॉयर बनना है तो हम उससे रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं, या हमको वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट में के बारे में जानकारी लेनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप चाहते हैं उसके बारे में 500 शब्दों में जैसा पिछले साल समझाया था वैसा इस साल समझा दीजिएगा। फिर 2000 वर्ड्स में आप प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो आपने लास्ट ईयर पूरा सीक्वेंस में लिखा था, क्या क्या लिखा था, इस प्रोजेक्ट का शीर्षक क्या है, हेडिंग्स, आपका अंडरटेकिंग, घोषणा पत्र, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, आभार, और मेरी तरफ से जो लेटर जाता है उसकी कॉपी, इंडेक्स, आपका वर्किंग एरिया, इससे आपको क्या मिलेगा, इंटेंडेड आउटकम क्या आप अचीव करोगे, इसको फील्ड में कैसे अप्लाई करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लगाओगे, और इससे आपने भविष्य में इसके बारे में अपने लिए इस प्रोजेक्ट को सीखकर क्या सोचा है, ये सारी चीज़ें इंडेक्सिंग में होगी। और यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे मैं आपको
तीन लेटर्स जो सिग्नेचर करवाने हैं सील के साथ, वो अटैच कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही क्लासरूम में पीडीएफ भेज दूंगा, उसको आप साइन करा लीजिएगा। चाहे तो उनके लेटर हेड पे कराएं कि हाँ इंटर्नशिप का काम हुआ है, या फिर बिना लेटर हेड के भी चल सकता है, पर मेक श्योर कि सील और साइन ज़रूर हों। इसके अलावा एक बात और याद रखिए कि जो प्रोजेक्ट है, पांच बच्चे जो हैं वो एक साथ बना सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, ए ने बनाया, बी सी डी ई एफ ने उनकी मदद करी, तो प्रोजेक्ट पांचों या जो फाइल बन रही है इंटर्नशिप की, वो पांचों की अलग बन रही है। कंटेंट थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर पांचों बच्चे हर फाइल में उनका नाम डालेंगे, तो क्या होगा, जब वाइवा होगा वो पांचों बच्चे एक्सटर्नल सर के सामने खड़े होंगे कि हमने इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट किया है, हमारा लर्निंग आउटकम ये रहा है। इस तरह से आपको इस इंटर्नशिप के काम को पूरा करना है, और इस बात का ख्याल रखें कि ये 100 मार्क का है, 50 मार्क्स इंटरनल हैं और 30 मार्क्स फाइल के हैं। फाइल बहुत अच्छी बनाइएगा, राइटिंग्स का ख्याल रखिएगा, और 20 मार्क्स का मौखिक ही है, ओरल, जो आपको बोल के समझाना है, इसलिए डमी ना हो, नकली ना हो। कोशिश कीजिए ट्रेनिंग को अच्छे फिनोमिना में, अच्छे मूड से जाकर, जहां आप कन्वीनियंट हो वहां जाकर संपन्न कीजिए इंटर्नशिप को। कोई तरह का आप डमी एक्टिंग मत करिएगा। होगा क्या कि जब वाइवा देंगे तो एग्जामिनर को ये बात पता चल जाएगी कि वाकई में आप फील्ड में गए थे या नहीं। फाइल के साथ चाहें तो फ़ोटो भी लगा सकते हैं जिस जगह पर आपने काम किया है। लास्ट ईयर के बच्चे हैं, और चूंकि लास्ट ईयर हमने ये सब काम किया है, सिर्फ हमारा टॉपिक बदल गया है, चीज़ें वही की वही हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको फॉलो करें और ओरिजिनलिटी का ख्याल रखें, जैसा कि मैंने स्मार्ट में आपको बोला है। मैं YouTube के नीचे तीन पेजेस आपको PDF के अटैच करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।